चलिए इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनफाइनाइट सीक्वेंस का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। इसमें से सबसे पहला तो हम हेडिंग दे देते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और वो भी रिपीटेड होता है, रिपीटेड। जैसे मान के चलिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट साइन एक्स फिर अंडर रूट साइन एक्स फिर अंडर रूट साइन एक्स और ये चलता जाएगा। तब आपसे पूछेगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा अप टू इन्फाइनाइट। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहला काम, कौन ऐसा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है वो पहले आप पकड़िए, कौन ऐसा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमको लगता है कि सर ये वाला जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, कौन वाला, तो ये वाला अंडर रूट साइन एक्स, ये बार बार रिपीट हो रहा है। फिर देखिए वही आया अंडर रूट साइन एक्स, तो अप टू कहाँ तक है, इन्फिनाइट तक। अब मान के चलिए समुद्र में से एक लोटा पानी अगर आप निकाल लीजिएगा तो उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा कितना बार रिपीट किया है, इन्फिनाइट बार, और सब किसके बराबर है, वाई के। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक काम कीजिए, वाई अंडर रूट साइन एक्स लिख दिए, पहले वाले को आप बंद कर लीजिए और लिख दीजिए, जो बच गया ना प्लस है तो प्लस, इसको बोल दीजिए वाई। इसमें इन्फिनाइट था, हमने एक को क्या किया, हटा दिया, तो इन्फिनाइट में से एक हटा दीजिएगा फिर भी वही बचेगा, ये पूरा बराबर है वाई के, तो इसको हटा देने के बाद भी किसके बराबर होगा, वाई के बराबर होगा। तो काम क्या करना होता है, पहले यूनिट को जो बार बार रिपीट कर रहा है उसको बंद कीजिए, प्लस है तो प्लस, और जो बचे हुए को वाई बोल दीजिए, बचे हुए को क्या बोलना है, वाई बोलना है। पहले वाले को बंद करना है, किसको बंद करना है, जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, ये हो गया। अब हम काम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं। अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2y, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और फिर आपका हो जाएगा dy by dx इक्वल टू साइन का होता है cos x प्लस y का होता है dy by dx। अब क्या होगा, तो 2y dy by dx ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, इक्वल टू कितना, cos x, क्योंकि हमको dy by dx निकालना है, तो dy by dx को हमने कॉमन ले लिया, अंदर ही अंदर क्या बचा, 2y माइनस वन बचा, इक्वल टू कितना, cos x। तो आप बताइए dy by dx क्या हुआ, तो dy by dx हुआ आपका cos x और नीचे में 2y माइनस वन,
ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए जो फंडा है वो क्या है? सबसे पहला काम, कौन ऐसा यूनिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है? पहले वाले को बंद कीजिए और सबको वाई मान लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। चलिए इस पे हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पे जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका ऐसा है, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स, और इस तरह से ये चलता जाएगा। अप टू इन्फिनाइट तक। तीसरा क्वेश्चन हम लिख देते हैं आपके लिए, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस, ये चलता जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम लिखते हैं आपके लिए, y इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डॉट डॉट डॉट। इसमें आपको क्या करना है, पहले यूनिट को बंद करना है। तो x प्लस, देखिए 1 बाय एक्स, फिर क्या है प्लस 1 बाय एक्स, इसी में है ये आपको होमवर्क हो गया, इसको आप बना लीजिएगा।